अभी हम आए हैं लिफ्ट में क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब हो चुकी है, तो अभी उनको एडमिट किया गया है यहाँ पे। सलाइन वगैरह सब कुछ लगा रही है नहीं सुल्तान, हाँ तो अभी हमारे भांजा ये सुल्तान और मुन्ना तो अभी हम आए हैं हॉस्पिटल पे। आओ भाजी। तो दोस्तों अभी हमने ले लिया है फाइल, अभी जाएंगे नीचे, वहाँ पे जाएंगे, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है वहाँ पे जाके, तो अभी हम करेंगे अमाउंट पे। मुन्ना इसको पकड़ो। और यहाँ पे हमारी भाभी भी आई है और हमारे भैया की बेटी भी आई है और हमारे बड़े भैया भी आए हैं। तो चलो दोस्तों, आज तक मेरे बड़े भैया को एक ब्लॉग में मैंने दिखाया है, आज फिर से मैं आपको दिखाऊंगा मेरे बड़े भैया को। क्या हुआ, मना गए? चलो चलते हैं, चलो। तो दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा और ये है हमारे बड़े भैया। तो ये देखो दोस्तों, अभी हम कर रही है थोड़ा बिल पे, इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। अभी हम जाएंगे वार्ड पे। क्या हुआ मुन्ना, ओपन करो उसको। ब्लड टेस्ट वगैरह कर रही है, तो अभी उसके बाद कुछ इलाज चलेगा। और अभी सलीम भी लगा चुके हैं, तभी हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता लाने के लिए, क्योंकि अभी मेरी माँ के साथ रहेंगे सिर्फ दो ही लोग, मेरी भाभी और मेरी भाभी की बेटी रहेंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुके हैं रात के 1, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता लाने के लिए। तो ये देखो दोस्तों, अभी हम आए हैं कित्तूर चन्नम्मा सर्कल के पास। अभी यहाँ पे कोई होटल वगैरह देखेंगे और यहाँ पे से हम नाश्ता ले लेंगे। मुन्ना यहाँ पे कहाँ पे है होटल? ना वहाँ पे चलो। तो देखो दोस्तों, आदमी का वक्त कैसा आता है, हम लोग जो है रहते हैं हुबली में ही, लेकिन अभी होटल को ढूंढती हम फिर रही है, क्योंकि दोस्तों कभी भी हमने रात के 1 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। अभी देखो दोस्तों, अभी हम ढूंढ रहे हैं होटल को और यहाँ पे देखो सुनसान है रोड ना। अभी कुछ ना कुछ करके होटल को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया है। कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, अभी होटल को ढूंढते ढूंढते हम आए हैं स्टेशन रोड। और मुन्ना लगता है यहाँ पे कोई होटल चालू है, तो चलो यहाँ से नाश्ता ले लेते हैं। तो फाइनली अभी खाना ले लिए, अभी जाएंगे हम हॉस्पिटल पे। और दोस्तों पहली बार रात के 1 बजे बाहर निकले हैं, नहीं पता से कुछ हुआ तो बाहर घूमना ही पड़ता है, बाहर निकलना ही पड़ता है। अभी दोस्तों मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम मेरी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी हम आए हैं, नाश्ता लिए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं फिर से हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल पे जाएंगे, उनको नाश्ता वगैरह देंगे, वो भी अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लेंगे और रात में सो जाएंगे, और मेरी माँ की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। यार दोस्तों अभी ट्रीटमेंट शुरू है अभी। तो ये देखो दोस्तों, फिर से आ गए हम हॉस्पिटल पे। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। अभी मेरे अब्बा और मुन्ना गए हैं हॉस्पिटल पे कुछ टैबलेट्स वगैरह लेके। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जी? नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता बना रही हो, नाश्ता बनाओ। अभी तो हमारे घर में कोई भी रोजा नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल रात को हम आए हैं हॉस्पिटल से रात के 1 बजे। अभी 1 बजे आए हैं, तो कल जो है हमारे पिताजी नहीं गए थे हॉस्पिटल पे, तो अभी वो क्या बोले, तुम रुको मैं जाके आता हूँ बोले। तो मैं सोचा कि उनको ही भेजना अच्छा है बोल के, मुन्ना और मेरे पिताजी गए हैं। और ये क्या है अभी? खाना जो बगैर ना खाना है, ये तो चलो अभी बच्चों को खाना वगैरह दे दो। क्या हुआ सानिया? आज नाश्ते में पोहा पोहा बनाया है, लेकिन क्या करे सानिया, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि माँ मेरी माँ जो है इस घर की शान है। मेरी माँ इस घर में नहीं है, तो देखो घर कैसे लग रहा है, सोना सोना लग रहा है। तो अभी जो है दोस्तों, मेरी माँ को ORS और जूस वगैरह देकर आया है, और हमारी भाभी वहाँ पे है मेरी माँ के साथ में, तो उनको खाना वगैरह देकर आया है। तो ऐसा है दोस्तों कि कुछ भी व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। जब मेरी माँ को कोई तकलीफ होती है तो वो घर में नहीं रहते, तो कुछ भी मन नहीं करता है, कुछ भी करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, या कहीं पर जाने के लिए, कुछ भी क्या भी मन नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो अभी खाने में क्या बनाए जी? चावल
पुलाव चटनी। पुलाव चटनी बनाए? हाँ। तो चलो थाली में डाल के दो मुझे। अभी थोड़ी हमारी अम्मी की तबीयत भी ठीक हो चुकी है, हाँ। तो ये बात सुन के और उनको देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो चलो अभी हम भी खाना खा लेते हैं। और तमन्ना साने ने खाना खा लिया है? नहीं खाया है, खा लिया है। चलो अच्छी बात है।